मैंने कहा इसका बच्चा उस दिन बहुत रो रहा था, बच्चा हाथ चुप चुप उठाया हुआ उसने। उन्होंने पूछा आमिर बच्चे का क्या है, उन्होंने कहा कि जब आपने इसके गले में तवीज डाला वो दिन और आज पर ये बच्चा नहीं। बड़ी हैरानगी थी मेरे लिए। हमारे यहां भी ऐसी दवाइयां काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कैमोमिला है, सैना है, लेकिन जब आप उसको सी एम पुटरसी देंगे तो वो ऐसे ही काम कर रहा है। लेकिन मैंने कहा जी इसका आपने क्या दिया था, उन्होंने कहा जी तवीज उतारो। जब औरत चली गई उन्होंने तवीज लिया, उसको कैंची से काटा, फिर उसका चमड़ा काटा, अंदर से चिट लिखी। मुझे कहता डॉक्टर साहब पढ़े। अब उस चिट में क्या लिखा था, उल्लू के पट्टे चुप कर। ये माइंड पावर की है कि जब उसकी माइंड पावर थी कि मैं उल्लू के पट्टे चुप कर जाऊंगा तो अल्लाह ताला उसको एलर्जी देगा और बच्चा ठीक होगा। इस तरह के बहुत सारे वाक्यात हैं कि ये हमने किए। सर आप देखिए कि होम्योपैथी से मायूस ना हो, होम्योपैथी को डेवेल्प करें अपने अंदर और पोटेंसी को सही एप्लीकेशन करें। मैं आपको एक दो वाक्य सुना देता हूँ जो ठीक हुए अभी रिसेंटली। मेरे पास कोई एक महीना डेढ़ महीना पहले बच्चा है, छोटा सा, कोई 10 महीने का। डॉक्टरों ने कहा कि उसको टंग कैंसर। बच्चा रो रहा, तड़प रहा, उसकी जबान, उसका नीचे पैलेट, उसका नीचे सब लिंगियल सब वाइट हुआ हुआ था, बिल्कुल वाइट, जैसे चाकी वाइट होता है, तय जमी हुई थी। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह देते हैं दवाई, क्योंकि प्रोमिनेंट सिम्टम थी एंटम क्रोडम की, एंटम टार्ट की, वोमिट भी कर रहा था। मैंने उसको कार्सिनोसिन दी और एंटम टार्ट दी, एंटम क्रोडम दी। 15 दिन बाद जो बच्चा आया तो वो 99% ठीक था। इसी तरह कल भी मैंने एक वाक्या सुनाया, ये सिर्फ आपके लिए है कि यार आप देखिए कि एक बच्चा मेरे पास आया, अली साहब मेरे पास बैठे हुए थे, बहुत अरसे की बात कर रहा हूँ। उसके सर्कमस्टांसिस हुए, खतने हुए, तो वहाँ बस पड़ गई। बच्चे की उम्र थी 4 साल, बस पड़ गई। तो वो इतनी ज़्यादा बस थी कि जब उसके माँ बाप ने कहा जी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आप इसकी ड्रेसिंग करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब आपने देखा तो वो पूरी तरह उसकी सपोरेशन हुई हुई थी, पर ऐसा लग रहा था कि इसका पीनस, इसका ओज को अभी गिरने वाला है। ये कंडीशन थी उस वक्त। मैं और अली साहब बैठे हुए थे, वो आया, हमने चेक किया, मैं खुद डर गया कि इसका बनेगा क्या, लेकिन एक्सपीरियंस था। मैंने उसको सिलेशिया सीएम की 6 पुड़िया बना के दी कि ये 2-2 घंटे बाद खाएं। और जब वो अगले दिन आया तो अली साहब को मैंने खास तौर पर बुलाया। जब अगले दिन आया देखा तो मैं बड़ा परेशान था कि पता ठीक हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, लेकिन कॉन्फिडेंट था कि जब हमने ये मेडिसिन दी है, इस तरह की मेडिसिन हमारे काम करती है। जब हमने दोबारा चेकअप किया तो हम पहचान नहीं सकते कि ये कल वाला जख्म था या कल वाला सेपरेशन था, वो तकरीबन ठीक हो गया। मुझे चिट आ गई है कि प्लीज 10 मिनट में अपना मुकम्मल करें, आपने जो कुछ कहना है। तो मैंने तो बहुत कुछ कहना था, तो सब कॉन्शियस के हवाले से लेकर मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि असल चीज़ हमारी सोच होगी। ये देख लीजिए, अगर हम सोच पे आज डालेंगे हमने अच्छा होगा पैद बनना है तो कोई वजह नहीं। एक और मैं अपने नए डॉक्टर्स के लिए, बहुत सारे नए चेहरे बैठे हैं पिंडी, इस्लामाबाद और पंजाब के पेरिफेरल में, तो मुझे अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं इनके लिए मेरा न्यू फेस है। एक और केस आया आईज कैंसर का, उसकी जब मेरे पास वो एंट्री हुई तो हो गया, वो अभी भी आई बाहर आई हुई थी, उसका आई बार 75% बाहर आया हुआ था। ऐसे जब उससे सिम्टम ली गई, उसने कहा जी मुझे बहुत सख्त जलन हो रही है कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने उसको कार्सिनोसिन दी, एंथ्रेक्सिनम सी एम दी, और आज उस लड़की की वो माँ बनी हुई है, आगे 3 बच्चे हैं और वो आँख 75% अंदर जा चुकी है और उसमें से नजर। तो इस तरह के बहुत सारे